नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जीके प्रीवियस ईयर MCQ सीरीज़ का आज हम यहाँ पे ला रखे हैं 8वां पार्ट। 7 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 210 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उन सभी 7 वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो भी शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 211, उजली या अनेरी होली का संबंध किससे है? तो थारू जनजाति से है उजली या अनेरी होली का संबंध। तो 211 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 212 है, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था, इसको कहा जाता था कर्मांत। 212 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 213 है, श्यामताल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है अल्मोड़ा, बी है चंपावत, सी है नैनीताल और डी है चमोली। तो जो ये श्यामताल है ये स्थित है चंपावत जिले में। 213 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 214 है, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो किस वर्ष हुई कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना? तो वर्ष 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो 214 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 215 है, देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ, तो कौन से वर्ष हुआ? तो यहाँ पे 215 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1975 में देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 216 है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। 216 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 217 है, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रमुख स्रोत क्या है यहाँ पे? कृषि व पशुपालन। ऑप्शन सी हो जाएगा 217 का राइट आंसर। 218 है, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? यहाँ पे ऑप्शन ए है चमोली, बी है देहरादून, सी है नैनीताल और डी है चंपावत। तो जो ये झिलमिल ताल है ये स्थित है आपके चंपावत जिले में। 218 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 219 है, टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? तो सुदर्शन शाह थे टिहरी रियासत के प्रथम नरेश। तो 219 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 220 है, भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? तो टिहरी राज्य का राजा था यहाँ पे भारतीय संघ में विलय के समय मानवेंद्र शाह। 220 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी सन 1816 ईस्वी में कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 222 है, बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया, तो कितने भागों में यहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है? तो केवल 3 भागों में। 222 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 223 है, कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 223 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अल्मोड़ा जिले में स्थित है कटारमल सूर्य मंदिर। 224 है, यहाँ पर उत्तराखंड क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में भाग लिया था? तो 224 का राइट आंसर क्या है, उनका नाम है यहाँ पे ज्योतिराम कांडपाल। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 224 का। क्वेश्चन नंबर 225 है, 1812 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी, तो ये खरीदी थी मसूरी में। 225 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर आपको जरधारी क्लासेस के कोई भी नोट्स लेने हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से सभी नोट्स परचेज कर सकते हैं। साथ ही आप जरधारी क्लासेस की कोई भी ईबुक वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, उन सभी लिंक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा 226 का राइट आंसर, क्योंकि सेलाकुई हो गया, सितारगंज, हरिद्वार, ये सभी संबंधित हैं सिडकुल से, तो नहीं पूछा है तो ए ऑप्शन हो जाएगा 226 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 227 है,
उत्तराखंड की भोटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है? तो 227 के आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो भोटिया जनजाति जो है यहाँ पे मंगोलायड मानव प्रजाति से ये संबंधित है। तो 227 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 228 है, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश कौन थे? तो नेपाल नरेश थे यहाँ पे रण बहादुर शाह। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा 228 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 229 है, इनमें से किस भाषा में राय बहादुर डॉक्टर पातेराम ने पहली बार गढ़वाल का इतिहास प्रकाशित किया था? तो वो भाषा है यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में इन्होंने ये प्रकाशित किया था गढ़वाल का इतिहास। 229 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 230 है, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यालय। तो 230 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 231 है, व्यास गुफा कहाँ स्थित है? तो बद्रीनाथ में स्थित है व्यास गुफा। 231 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 232 है, सन 1843 ईस्वी में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी यहाँ पे 232 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैप्टन हडलस्टन ने यहाँ पे 1843 ईस्वी में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना की थी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 232 का राइट आंसर। नंबर 233 है, यहाँ पर कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे 233 का राइट आंसर है पीसी जोशी ने की थी कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना। तो ए ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 233 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 234 है, उत्तरांचल सरकार ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं की उद्यमिता विकास के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा किस वर्ष की थी? तो ये की थी यहाँ पे 2002 ईस्वी में। तो 234 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 235 है, यहाँ पे देहरादून के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मेजर जनरल जिलेप्सी के द्वारा। ऑप्शन सी है 235 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 236 है, देहरादून का शिल्पी एवं चित्रकार जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है यहाँ पे सुधीर रंजन खास्तगीर। 236 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 237 है, कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन से संबंधित नदी कौन सी है? तो ये नदी है यहाँ पे सरयू नदी। तो 237 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 238 है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ मिलती है? तो ये मिलती है पौड़ी गढ़वाल की, 7 जनपदों के साथ इसकी सीमा मिलती है। तो 238 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 239 है, उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो ये करता है यहाँ पे जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव। तो 239 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर है 240 है यहाँ पे ये। ठीक है, तो उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रुड़की में। 240 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये थी दोस्तों यहाँ पे आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।